नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको हरियाली तीज का व्लॉग शेयर करने वाला हूँ। हरियाली तीज मैंने किस प्रकार से मनाई, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने सुबेरे स्नान आदि से निवृत्त होके मैंने सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, और स्नान के जल में थोड़ा सा गुलाब जल, रोज वाटर और कुछ फूल की पंखुड़ियां डाल दी। और इससे जो सावन का महीने में तीज के दिन, हरियाली तीज के दिन खुशबू बनी रहे, लड्डू गोपाल जी में बहुत खुशबू आए, इसलिए मैंने इनको सबसे पहले तो स्नान करवाया, उसमें गुलाब जल डाला और फूल की पंखुड़ियां डाली। स्नान करवाने के बाद देखिए मैंने इनका ऐसा श्रृंगार किया, पूरा हरा रंग में मैंने इनका श्रृंगार किया है। हरियाली तीज में लड्डू गोपाल जी का पूरे हरा रंग का श्रृंगार किया जाता है। देखिए लड्डू गोपाल जी का हरियाली तीज स्पेशल हरा रंग का श्रृंगार, और ये लड्डू गोपाल जी का झूला। कमेंट करके बताइएगा आपको लड्डू गोपाल जी का झूला कैसा लगा। देखिए कितना प्यारा है ये लग रहा है झूला लड्डू गोपाल का। और मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए मैंने सजाया है मंदिर को भी फूलों से, अशोक के पत्तों से तोरण बनाया है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से मैंने सजाया है अपने मंदिर को, और फ्लावर्स लगाया, ऐसा लग रहा है ये फ्लावर जो है वो घंटी जैसे लग रहे हैं। ये देखिए सभी भगवान जी को पुष्प अर्पित कर दिया है मैंने सभी को। आज मैं बहुत सारे फूल लेकर आया था, इसलिए मैंने फूल चढ़ा दिए भगवान जी को। और ये देखिए ये लड्डू गोपाल जी का झूला बहुत ही सुंदर लग रहा है। हरियाली तीज के दिन लड्डू गोपाल को झूले में जरूर बैठाना चाहिए, और झूले का भी मैंने थोड़ा सा ग्रीन टच दिया है। और मंदिर तो मेरे को बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्लावर से, और मैंने तोरण लगाई है, जो भी डेकोरेट किया है वो बहुत सुंदर लग रहा है। अब मैं लड्डू गोपाल जी को झूले में बैठाऊंगा। तो ये देखिए लड्डू गोपाल जी झूले में बैठ चुके हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं झूले में भी हमारे लड्डू गोपाल। ये देखिए झूला, हमें तीज के दिन लड्डू गोपाल को झूला में जरूर बैठाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने मनाई हरियाली तीज। आपने कैसे मनाई मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फोटो पिक शेयर करें। तो ये है थोड़े से व्यू जो हरियाली तीज के दिन मैंने लड्डू गोपाल जी के साथ कैसे मनाया हरियाली तीज, देखिए। तो यहाँ पे मैंने अशोक के पत्तों की तोरण लगाई है, और ऊपर पीले फूलों की है माला, और यहाँ पे नीचे कुछ पीले फूल लगाए हैं। यहाँ पे हमारे छोटे से कान्हा जी विराजमान हैं, जो यहाँ पे दूसरे कान्हा जी है, और ये फ्लावर पॉट है। और मंदिर में बताऊँ मैंने किस तरह सजाया, यहाँ पे तो मैंने एक तोरण यहाँ लगा दी है पत्तों की, अशोक के पत्तों की, और दूसरी यहाँ पे, और सबके दोनों के आखिरी में मैंने फ्लावर लगाया। और ये देखिए ये इस तरह का झालर लटकाया है कनेर के फूलों की, और बीच में मैंने अशोक के पत्तों से सजाया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, और आप सभी को जय माता, हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।